हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2020 में आ सकता है 12th और BSc Part 1 स्टूडेंट्स के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर ए सर्टेन केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन कंसंट्रेशन नेचुरल लॉग आर वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट दिया गया है। बताना है आपको कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, टाइम दिया गया है, ये नेचुरल लॉग और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टी टाइम पर। तो जनरली क्या है कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर लॉग लगा है तो फर्स्ट ऑर्डर में चांस ज़्यादा हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर कौन सी है, लेट अस कंसीडर कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, समय जीरो था, टी टाइम पर हमारा ए माइनस एक्स हो गया है, तो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे इस तरीके से, अगर आपको आता है डेरिवेशन, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद में जब डेरिवेशन करने के बाद ये क्वेश्चन आ गई, तो यहाँ ए माइनस एक्स को मान लिया मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी टाइम पर। ओके, जहाँ पर ए होगा वहाँ आर जीरो कर देंगे और नॉट, ए माइनस एक्स होगा वहाँ आर कर देंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ए माइनस एक्स जगह पर आर कर देंगे, ए की जगह पर इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट कर देंगे, तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन बन गया। कंपेयर करिए, बाई ये हो गया है, इंटरसेप्ट ये हो गया है और एक्स टी हो गया है। तो यहाँ पर स्लोप किस में आ रहा है, ध्यान से देखें, स्लोप माइनस में आ रहा है, माइनस की। तो ये हमारा ग्राफ सही निकल रहा है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप किस में है, माइनस में है, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, और नेचुरल लॉग है टाइम में, यही ग्राफ हमने बताया आपको। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखिए क्वेश्चन था आपका, बाय एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दे, तो यहाँ पर स्लोप कितना आया, माइनस के आया, तो स्लोप यहाँ माइनस के आ गया। और माइनस के बाद में अगर आप ध्यान से देखें कि स्लोप यहाँ पर आ गया आपका माइनस के, और माइनस के और एम बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर ये आपका जो है ये थीटा है, ये आपका हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है टी, तो ये निकल के आ गया आपका स्लोप। ओके, तो स्लोप भी निकल आया, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये तो पता चल गया। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट क्या होती है रेट कॉन्स्टेंट की, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यूनिट है टाइम इनवर्स। तो कैसे पता टाइम इनवर्स, एक रिलेशन होता है आपने पढ़ा होगा, के बराबर 1/t 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1/n, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रखो, 1 में से बन गया 0, तो टाइम आया, टाइम इनवर्स हो गया, टाइम सेकंड में है तो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, गिव द रिलेशनशिप इन बिटवीन के एंड टी हाफ। तो जनरली हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर में रिलेशन होता है 0.693/t हाफ, ये कैसे निकल के आता है, तो पहले आपको बता दें फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ये होता है। ओके, ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो इसमें टी की जगह टी हाफ रख देंगे और आर की जगह पे आर 0.2 रख देंगे, हाफ लाइफ पीरियड, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद लॉग 2 आएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो के बराबर 0.693/t हाफ रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में है आपका, ड्रा द व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप निकल के आ गया इस कर्व का, माइनस के है। ओके, ये कैसे कंपेयर किया था हमने, ये क्वेश्चन था उससे हमने कंपेयर करके निकाला था स्लोप। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन बचा है, ड्रा द प्लॉट लॉग आर जीरो अपॉन आर वर्सेस टाइम। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया लॉग के फॉर्म में, इसमें नेचुरल लॉग नहीं, कॉमन लॉग है। तो इस इक्वेशन को हम बाई बराबर एम एक्स प्लस सी बनाते हैं तभी ग्राफ प्लॉट होगा। देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया लॉग आर जीरो अपॉन आर, तो यहाँ से के टी अपॉन 2.303, यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए, बाई ये हो गया और यहाँ पर स्लोप ये के अपॉन 2.303, टाइम हमारा हो गया एक्स, तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, इंटरसेप्ट 0 है इसलिए यहाँ पर ओरिजिन से लाइन जाएगी, और यहाँ पर स्लोप देखिए प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये ग्राफ प्लॉट होके आ गया, अगर आप ध्यान से देखें इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ। तो हमारे चारों क्वेश्चंस हो गए हैं। कैसे, पहला क्वेश्चन था इस ग्राफ को देख के बताना ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है,
यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स, गिव द रिलेशनशिप इन बिटवीन के एंड टी हाफ, वो मैंने बता दिया के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, स्लोप कितना निकल गया है एम बराबर माइनस के या एम बराबर आपका लॉग नेचुरल लॉग आर अपॉन टाइम। दूसरा क्या है, ड्रा द प्लॉट लॉग आर जीरो अपॉन आर ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम, जो कि ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। ये ग्राफ निकल के आया मेन इक्वेशन से, इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास से, जिसको हमने बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बदल लिया। तो इस तरीके से ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आज हमने बताया आपको, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पर तैयारी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।